चला दुगा और पात की जो पति जन्मांतर क्यों ही भटकती रही। अरे एक जन्म जन्मांतर यही भूतल पर भटकती रही। जन्म नहीं मिला, पति से सौतिया दाह के कारण ये जहर खा के मर गई थी। अंत में क्या हुआ है? महाराज दशरथ के एक लड़की पैदा हुई सुमित्रा के गर्भ से, जिसका नाम पड़ा शांता। और शांता महाराज रोमपाद ने गोद ले ली, जो विभांडक मुनि के पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि के साथ में शादी कर दी। इनके सर पर एक सींग था। भक्त जनों, ये राम के सगे बहनोई थी। अब लड़की पैदा हो गई तो रावण ने तपस्या की, जवाब दिया कि महाराज दशरथ से कोई भी बालक न हो। तो उस समय दशरथ की उम्र 60,000 साल की हो गई। प्रदीप अपने भजनों में बता रहे हैं, प्रदीप अपने भजनों में बता रहे हैं, संसार में कोई भी सुखी नहीं है, किसी को भी देख लीजिए।